ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, आप देख रहे थे ललन टॉप। लॉकडाउन में लोग घरों में हैं, ऐसे में खुलता है भाई यादों का पुलिंदा, एल्बम्स देखी जाती हैं, फिल्मी हस्तियां भी यही कुछ कर रही हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपनी थ्रोबैक फोटोज शेयर कर रहे हैं और लोगों ने वो वाली फोटोज कभी देखी नहीं है तो वो खुश हो रहे हैं। अब सिंगर अलका याग्निक ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने भी एक अनदेखी सी तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर की है इंस्टाग्राम पर। और इस फोटो में अलका याग्निक के साथ लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार हैं, उन दोनों के अलावा इसमें सपना मुखर्जी और साधना सरगम भी हैं। इंस्टाग्राम पर इस फोटो को शेयर करते हुए अलका ने लिखा है कि हमेशा से मेरे पसंदीदा किशोर दा के साथ कुछ बेशकीमती मजेदार पल, यहाँ एक अरब व्यक्ति जैसे कपड़े पहने हुए हैं, हमेशा की तरह ऐसी हरकतें करते हुए, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ गाया है और समय बिताया है। किशोर दा, हमेशा के लिए आपको बहुत बहुत प्यार। इस पोस्ट पर उनके बहुत सारे फैंस ने कमेंट्स किए, कुछ अलका याग्निक की मतलब शुक्रिया कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी फ़ोटो शेयर की है, और फिर किशोर कुमार के फैंस तो बहुत सारे हैं तो अपनी दीवानगी वो भी जाहिर कर रहे थे, फिर अलका याग्निक के भी बहुत सारे दीवाने हैं वो भी उनकी तारीफों की पुल बांध रहे थे। तो ऐसे ये जो फोटो है अलका ने सोनू निगम के साथ भी शेयर की, तो उन्होंने भी इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ में लिखा कि इसके पीछे की कहानी बताई उन्होंने। बेसिकली उन्होंने कहा कि अलका याग्निक जी ने मुझे एक ऐसी अनमोल तस्वीर भेजी है, ये मस्कट में था जहाँ वो किशोर कुमार जी के साथ गई थी। किशोर कुमार जी एक अरब की तरह पोशाक पहनना चाहते थे और अलका जी सपना मुखर्जी और साधना सरगम जी को अपनी दासियां बनाना चाहते थे। अलका जी, ये तस्वीर मुझे भेजने के लिए आपका शुक्रिया। 1980 का दशक ऐसा था जिसमें किशोर कुमार अपने करियर के अंतिम चरण पर थे और अलका याग्निक उस समय एज अ सिंगर उभर रही थी। तो 1982 में एक फिल्म आई थी कामचोर, इसका म्यूजिक कंपोज किया था राजेश रोशन ने। इस फिल्म का एक गाना किशोर दा और अलका ने मिलकर गाया था, इसे राकेश रोशन और जयप्रदा पर फिल्माया गया था। इस गाने से हीरो हीरोइन के आगे अपना प्यार का इजहार कर रहा होता है। ये गाना कुछ ऐसा था कि तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। 1987 में किशोर कुमार दुनिया छोड़कर चले गए और इसी बीच अलका के साथ उनके जो बेहतरीन गाने आए वो हमें सुनने को मिलते हैं आज तक, जैसे पिघलता आसमां फिल्म से उन्होंने तेरी मेरी प्रेम कहानी गाया, और फिर मैं आवारा हूँ फिल्म में उनका एक गाना था बोलो जी कैसे कही। ये गाना ऐसा भी था जिसे अलका, साधना और सपना ने मिलकर गाया। फिल्म त्रिदेव का गाना बहुत फेमस है, म्यूजिक कंपोजर थे इस गाने के कल्याण जी, आनंद जी, और फिल्म में तीन हीरो थे, तीन हीरोइने थी, और इस फिल्म के एक गाने में तीनों हीरोइंस मतलब माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम दिखती हैं। इसमें उन्होंने एक डांस परफॉर्म किया था और इसे मिलकर गाया था इन तीनों सिंगर्स ने। इस गाने का नाम है गजल ने किया है इशारा। जी, आप नहीं याद कर पाए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस गाने की स्टार्टिंग बड़ी फेमस है, ओए ओए। याद आ गई तो अच्छी बात है, जाकर सुनिए। और ये वीडियो यहीं तक थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में हम आपको सिनेमा जगत की सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप ललन टॉप से जुड़े रहें, खुद का ख्याल रखें, लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण से बचे रहें, शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।